सो हे क्लासेस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। एंड आज है भाई हम लोग अपने टाउन हॉल 16 वाले अकाउंट के ऊपर। एंड यहाँ पर जो है सीजन गाइज एंड हो चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आज हमने जो है परफेक्ट डे हिट कर दिया, यानी कि भाई 320 मार दिया भाई टोटल। ठीक है, टोटल आर्ट अटैक्स मिलते हैं तो 320 हमने हिट कर दिया आज के। एंड डे वन था तो डे वन में भाई इजी बेस भी आते हैं एंड कुछ बेसिस थे। ठीक है, तो वो बेसिस को मैं अभी इंक्लूड करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कौन सा स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। साथ में भाई आप लोग साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इस आर्मी को यूज करना है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड जितने बंदे चैनल पे न्यू है भाई, चैनल को जाके आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में भाई वीडियो पे एक लाइक भी कर देना है। तो भाई फिलहाल आज डे वन था, इसीलिए देख सकते हैं हम लोग ग्लोबली रैंक 11 पे रैंक कर रहे हैं। एंड अभी आगे और भी तगड़े तगड़े बेसिस आएंगे। एंड इसी आर्मी के साथ भाई मैंने 6000 इसी बार हिट किया था। ठीक है, तो बीच में मेरे कुछ अटैक्स छूटे थे पिछले सीजन, आई थिंक 20-25 अटैक्स छूट गए थे। कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए भाई छोड़ना पड़ा, मतलब छूट जाते हैं भाई अटैक। तो यहाँ पर भी अगर कुछ होता है तो हम लोग पूरी ट्राई करेंगे कि भाई सारे अटैक्स कम्प्लीट हो पाए इस सीजन। ठीक है, तो फरवरी सीजन स्टार्ट हो चुका है गाइज। एंड भाई अब फटाफट से चलते हैं बेसिस के ऊपर और करते हैं भाई वहाँ पर बूम बाम। एंड डोंट वरी गाइज, आप लोग को आर्मी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो आइए अब करते हैं सबसे पहला अटैक भाई फरवरी सीजन का। एंड आर्मी हम लोग का कम्प्लीटली रेडी है भाई, तो चलिए अटैक दबा देते हैं। एंड सब कुछ रेडी है, सही है भाई, सुपर आर्चर्स भी है एंड सारे स्पेस भी है। चलो अटैक पे दबा दिया मैंने। एंड यहाँ पर जो है बेस आ चुका है, सबसे पहला बेस आ चुका है भाई सीजन का। और ये देखिए भाई, बेस डिजाइन तो काफ़ी तगड़ा है भाई। एंड मतलब यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो भाई बीम को ड्रॉप करने का मुझे प्रॉपर लोकेशन यही पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी आर्चर टावर प्लस ये जो मल्टी कैनन है वो भी भाई इधर ही है। साथ ही में भाई यहाँ पर जो है मोनोवेथ भी है, ईगल बैटरी, मतलब बहुत कुछ वैल्यू मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रूट राइडर को मैंने इसलिए ड्रॉप किया ताकि ये पॉइजन को एक्टिवेट करवा सकूँ। पॉइजन एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर हमने लावा हाउंड को डाला। पीछे से अब हम लोग डाल देंगे भाई बैटल बीम को, और बैटल बीम को भाई हम लोग यहाँ पर ईगल बैटरी के कंपार्टमेंट में खोल देंगे। चलो यहाँ पर खोल दिया मैंने, सबसे पहले एक इनविजिबल को डाला। अब डबल क्लोन डाल के भाई रेज स्पेल डालेंगे एंड फिर से भाई टाइमिंग के साथ आप लोग को इनविजिबल स्पेल का यूज़ करना है। ठीक है, देखते हैं कितना वैल्यू आ पाता है यहाँ से। एंड यहाँ पर अभी तो फिलहाल ठीक ठाक वैल्यू आ चुका है। चलो हमारे पास मोनोलिथ वगैरह निकल चुके हैं। एंड क्या ये क्या डबल कैनन जो है, ये न्यू कैनन, इसे निकाल पाएगा कि नहीं, लग तो नहीं रहा है, रेंज उतना नहीं जा पा रहा है। एंड लास्ट इनविजिबल था हमारे पास, वो भी हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। एंड अपोनेंट की सीसी में भाई लावा हाउंड निकल रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड अब जो है देखिए भाई, आप लोगों को सुपर आर्चर ब्लिम करने के बाद आप लोग को एक साइड से आप लोग को जो है हीरोज प्लस आर्मीज को घुमाना रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है किंग एंड क्वीन को ड्रॉप किया, साथ में भाई यहाँ पर ग्रैंड वार्डन, यहाँ पर ये देखिए भाई हमने लगा दिया भाई आइस गोलम, और रूट राइडर्स को भी डाल दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रो टाइटन्स भी है हमारे पास, ताकि मतलब स्कैलीज वगैरह निकलते हैं तो उसको इलेक्ट्रो टाइटन जो है थोड़ा सा टेक डाउन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पर हमने एक हेड एंटर को इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर ओपोनेंट का किंग है, तो यहाँ पर किंग आराम से टेक डाउन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप लोग मेरे पेट कॉम्बिनेशन भी आप लोग एक बार चेकआउट कर ले। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं किंग के साथ हम लोग जो है फिनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, और इसका इक्विपमेंट मैं आप लोग को बता देता हूँ। किंग के साथ मैं जाइंट गॉन्टलेट का यूज़ कर रहा हूँ, और क्वीन के साथ यहाँ पर यूनिकॉर्न, और नॉर्मल एबिलिटी जो रहता है इक्विपमेंट वही यूज़ कर रहा हूँ। ग्रैंड वार्डन के साथ हम लोग जो है यहाँ पर इंटरनल टोम प्लस रेज जेम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है पॉइजन विजार्ड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बुड्ढे के साथ, और यहाँ पर आरसी के साथ हम लोग अभी डिग्गी का यूज़ कर रहे हैं। एंड जो फॉक्स है हमारा लेवल 9 होने वाला है, उसके बाद 10 करने के बाद मैं जो है फॉक्स को लगा दूंगा भाई रॉयल चैम्पियन के साथ। ठीक है, रॉयल चैम्पियन के साथ भाई बहुत ही ओपी कॉम्बो बैठ रहा है, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे फॉक्स को। फिलहाल हमारा अपग्रेड पे लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग अभी डिग्गी का यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं बेस का हालत देखिए आप लोग, एंड ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, बस आप लोग को स्मैश कर देना है भाई। ठीक है, सुपर आर्चर्स से वैल्यू निकालने के बाद जो है आर्मी को सीधा स्मैश कर देना, एकदम स्पैम आर्मी है भाई। ठीक है, लगभग स्पैम जैसा ही बोला जाएगा, बट आप लोग को सुपर आर्चर बीम जो है अच्छे से थोड़ा सा करना आना चाहिए, क्योंकि सुपर आर्चर बीम सुपर बार भी यूज़ कर रहा हूँ मैं वो, लेकिन मैं अपने सेकंड आईडी में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेन अकाउंट है मेरी, एंड इसमें भाई हम लोग ये स्पैम वाली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें रूट राइडर जो है मैक्स आउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेरा मैक्स आउट रूट राइडर से, इसीलिए हम लोग जो है इस आर्मी का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग जो है सुपर बार्बेरियन का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सुपर रचर ब्रिम सुपर बार्बेरियंस का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पहला अटैक है भाई हम लोग का
थ्री स्टार हो चुका है भाई। एंड भाई फटाफट से चलते हैं कुछ और अटैक्स देख लेते हैं। तो ये रहा भाई हमारा नेक्स्ट बेस आ चुका है। एंड यहाँ पर जो है सुपर अर्चर्स भाई यहाँ पीछे के साइड में ज़्यादा अच्छे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादातर गैप नहीं है। एंड आप लोग को जो है ज़्यादा गैप टाइल्स गैप ना हो, नहीं तो वहाँ पर जाइंट बॉम्ब हो सकते हैं। देखिए एक जाइंट बॉम्ब फूटेगा तो ठीक है भाई चलेगा, लेकिन उसके अंदर भाई छोटे छोटे अगर कुछ बॉम्ब्स वगैरह भी रखे रहेंगे तो भाई आपके सुपर अर्चर मर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ट्राई करता भाई कि जहाँ पर बेस में गैप्स है वहाँ पर मैं नहीं खोलता बीम को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या नाम है जाइंट बॉम्ब का जो एरिया टाइल्स है वो चार टाइल्स का शायद रहता है आई थिंक, ठीक है, चार टाइल्स होते हैं उसमें शायद फिट बैठ जाता है वो भाई जाइंट बॉम्ब। तो इसीलिए भाई हम लोग वहाँ पर गैप में नहीं खोलते हैं भीम को, नहीं तो भाई सुपर अर्चर मर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रो टाइटन को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि भाई देख सकते हैं हमें जो है एक साइड से आर्मी को घुमाना है, तो यहाँ से थोड़ा सा फनल क्रिएट करना इसीलिए ज़रूरी था। इसीलिए हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रो टाइटन को डाला और अब जो है हम लोग यहाँ पर हीरोज़ प्लस यहाँ पर रूट राइडर्स को भी ड्रॉप कर चुके हैं। पीछे से भाई बुड्ढे को भी लगा दिया। एंड यहाँ पर देख सकते हैं रूट राइडर्स भाई आराम से वॉल को फोड़ते हुए जा रहा है भाई। एंड इधर से एक आइस गोलम चलो इधर के साइड में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग को सुपर अर्चर से वैल्यू निकालने के बाद जो है आर्मी को पूरा एल शेप में घुमा देना है, एक साइड से ले जाना है, या तो आप लोग लेफ्ट से ले जाओ या तो राइट से ले जाओ, ठीक है। तो मैं अभी अपर के साइड से ले जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सारे ट्रूप्स जो है आराम से कोर के अंदर जा रहे हैं एंड पीछे से भाई आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किंग और क्वीन जो है अंदर रहनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं अभी बाहर चली आ गई है। लेकिन ज़्यादा कुछ डैमेज वगैरह डिफेंसेस है ही नहीं। एंड यहाँ पर जो है हमने जो है वार्डन की एबिलिटी को टैप कर दिया है। आप लोग को भी उस जगह पे यूज़ करना है जहाँ पर आप लोग के रूट राइडर ज़्यादातर मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज होंगे, तो उस जगह पे आप लोग को जो है ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी को यूज़ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल इन्फर्नो टावर है, बट कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे रूट राइडर्स है, प्लस पीछे से भाई क्वीन भी है, किंग है, रॉयल चैंपियन है साथ में भाई, सबकी एबिलिटीज़ बचे हुए अभी भी। एंड बेस में यहाँ पर बस ये देखिए भाई एक अर्चर टावर है, एक विजार्ड टावर और दो टेस्ला बचे हुए जो कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो है हमने टैप कर दिया भाई आरसी की एबिलिटी को एंड फटाफट से सारे बिल्डिंग्स जो है टेक डाउन हो चुके हैं। यहाँ पर अभी हम लोग किंग की एबिलिटी को टैप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टोरेजेस है ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर फटाक से मैंने टैप करके भाई देख सकते हैं आराम से क्लियर हो चुका है। एंड ये देखिए भाई यहाँ पर जो है जाइंट गॉन्टलेट भाई काफ़ी बढ़िया काम करता है इस आर्मी के साथ, तो आप लोग भी हो सके तो जाइंट गॉन्टलेट का यूज़ जरूर से करो। तो ये देखिए भाई हमारे सामने और एक बेस आ चुका है एंड अभी सारे बेसेस इसी तरह से आ रहे हैं, ठीक है। अभी 5500 के बाद भाई एकदम तगड़े तगड़े बेसेस आना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गैप्स हैं, तो गैप्स के अंदर से हमने यहाँ पर जो है लावाउंड को सेंड किया, पीछे से भाई यहाँ पर बैटल बीम को भी सेंड कर दिया। ये पे देख सकते हैं हमने देखिए यहाँ पर जाइंट बॉम्ब था भाई। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सुपर आर्चर्स की हेल्थ जो है काफ़ी लो हो चुके हैं एंड सुपर आर्चर भाई अभी कमाल के हो चुके हैं, नहीं तो भाई पहले तो एक जाइंट बॉम्ब भी फूटता था सुपर आर्चर मर जाता था भाई, ठीक है। यहाँ पर अभी एक जाइंट बॉम्ब फूटता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख सकते हैं सुपर आर्चर अभी भी जिंदा है। एंड बस हम लोग टाइमिंग के साथ जो है इनविजिबल कर रहे हैं जिसके कारण भाई अभी भी सुपर आर्चर जिंदा है एंड बहुत ही तगड़ा वैल्यू निकाल चुकी है, देख सकते हैं। टनल नहीं आया बट यहाँ पर 32% का वैल्यू जो है मिल चुका है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर रूट राइडर्स को स्पैम कर दिया कुछ इस तरह से, ग्रैंड वार्डन को भी लगा दिया, पीछे किंग को भी लगा दिया, सारे टाइटन्स को ड्रॉप कर दिया। टाइटन्स को बस इसीलिए है कि स्कैविज वगैरह को टेक डाउन करने के लिए और कुछ नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगी अभी, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बुड्ढे की एबिलिटी है जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे जैसे ही टाउन हॉल डाउन होगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पहले इसलिए टैप कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो है रूट राइडर्स की हेल्थ कम हो रही थी एंड हम लोग ये कतई भी नहीं चाहेंगे भाई कि रूट राइडर्स की हेल्थ फटाक से टेक डाउन हो जाए। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी हमारे पास किंग की एबिलिटी, क्वीन की एबिलिटी, आरसी हमने बचा के रखी है थोड़ी सी। एंड यहाँ पर जो है आरसी को मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग्स जो है मतलब रूट राइडर्स के फेवरेट टारगेट होते हैं भाई डिफेंसेस, तो वो डिफेंसेस को देख के भाई बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हम लोगों ने आरसी को इधर ही से ड्रॉप कर दिया ताकि रूट राइडर्स वापस से भाई कोर के अंदर रहे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वीन अप प्रोसेस भी हमने चालू कर दिया है, ठीक है। क्वीन अप प्रोसेस में क्या एक विजार्ड है भाई वो भी डाल दिया, तो सही से यूज़ करना नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये अटैक स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा टाइम फेल होता है तो आप लोग थोड़ा सा फटाफट से करना, ठीक है। तो देखो भाई ज़्यादातर वैल्यू लेने की कोशिश करना एंड वो क्या बोलते हैं न्यू बिल्डिंग्स जो रहते हैं मल्टी आर्चर टावर वो और वो जो नया कैनन है वो टेक डाउन करने की कोशिश करना, और हो सके तो भाई ईगल बैटरी निकाल दो या तो टीएच मिल रहा है तो टीएच ले लो, ठीक है। इतना वैल्यू निकालना है आप लोग को सुपर आर्चर्स के साथ। उसके बाद जो है आप लोग को मैंने बताया कि एल शेप में आप लोग को जो है आर्मी प्लस हीरोज़ को घुमाने हैं एंड भाई बेसिस इजली भाई थ्री स्टार हो जाते हैं।
सो गाइज फिलहाल आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा तगड़े बेसेस नहीं आ रहे, एंड नहीं तो आप लोग भी भूलोगे भाई कि तगड़े बेसेस पे करके दिखाओ, तगड़े बेसेस में तो तगड़े बेसेस भाई आएंगे तब ना करूँगा मैं, क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है। एंड इसी के साथ मैंने तो बताया भाई कि 6000 इसी आर्मी के साथ मैंने हिट किया है, तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 320 हमने हिट कर दिया है, एंड हमारे सेकंड आईडी में देख सकते हैं हमने 310 हिट कर दिया है। इसमें हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं भाई सुपर आर्चर बीम विद सुपर बारबेरियंस के साथ, तो दोनों ही आर्मी भाई बहुत ही कमाल की है। तो भाई जिनको भी सुपर आर्चर बीम सुपर बारबेरियन वाला आर्मी यूज़ करना है उसका हमने गाइड वीडियो बना कर रखा है, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। सो गाइज आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड जल्दी मिलेंगे आप लोग से इस तरह के और भी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के भाई जय हिंद।